सभी एसएमपी के लीडर्स और सभी के लिए एक नया अपडेट है। हमारे जो संतोष कुमार साहब जी हैं उन्होंने कुछ रिचार्ज के बारे में कुछ अपडेट दी है, जिसके बारे में आपको जो ऑडियो मिला है वो आप लोग देख लीजिए। क्या हमारे संतोष जी क्या लीड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं रिचार्ज के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आप सबको बता दो, जो अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर टैप कर देना, क्योंकि हमारे एसएमपी के हमारे लेटेस्ट लेटेस्ट जो भी न्यूज़ हम लोगों को मिलते हैं आप सभी के सामने लेके आता हूँ लेटेस्ट लेटेस्ट न्यूज़, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए क्या कंपनी में चल रहा है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, अभी आपने ग्रुप में कुछ मैसेजेस देखे, कंपनी पहुंचने की बात, सीएमडी से बात करने की बात और आपका रुपया वापस करने की बात। सो आप लोगों के भावना से खेला जा रहा है और आप लोगों को उसके बहकावे में नहीं आना है। एक तरफ आपका पैसा, आपका कमाया हुआ सारा पैसा चला गया, दूसरे तरफ उन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ इस कंपनी को ज्वाइन किया था वो आपसे पैसा मांग रहे हैं, जिसे देना ही देना है क्योंकि वो आपके आसपास के हैं, वो आपके अपने हैं। अपनी इमेज बचाने के लिए हर हाल में हम लोग उसे किसी ना किसी तरह से पैसा दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे भावना से खेलकर अपने आप को बचाने के लिए कंपनी के आड़ में कंपनी पहुंचने का बहुत बड़ा नाटक खेल रहे हैं। होना कुछ नहीं है, इसे आप ऐसे समझें कि अभी तक जिन लोगों ने कंपनी को गया उन लोगों ने क्या क्या बात करी, कंपनी में क्या किया, कंपनी के एमडी से अभी तक बात नहीं हुई। आपको लगता है आपके जाने से ऐसा कुछ होगा, जब 300 लोग, 400 लोग, 1000 लोग और 1500 लोग मीटिंग में रहते थे तब उनका खिलाफत करने की ताकत नहीं थी, आज भी खिलाफत करने की ताकत नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि अभी तक किन्हीं लोगों ने, किन्हीं लीडरों ने कंपनी पे अभी तक किसी भी तरह का ना तो एफआईआर किया, ना तो कोई दबाव बनाया, बट दो चार लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो इसलिए कि उन्हें उनके नीचे वाले लोग परेशान ना करें। उन्होंने जो आपसे आपकी गाढ़ी कमाई को लूटा है, भले वो नेटवर्क के बहाने, वो उनके पॉकेट में रह जाए और वो सुकून से पुनः दूसरे कंपनी में जाकर काम कर सकें और लोगों को ये बता सके कि मैंने लड़ाई लड़ी लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। सो कम से कम इतना तो है कि आप लोग परेशानी को झेलते हुए उस परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आपने करी भी नहीं, लेकिन उल्टे ये लोग मरहम लगाने के नाम पे आपके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। सो इनकी बातों में नहीं आना, जहां हैं जैसे हैं अपनी अपना काम करते रहें, सभी लोगों पे एफआईआर करें, आपका सोलूशन होगा। एफआईआर ही एक माध्यम है जो इन लोगों को सबक सिखाएगा कि तुमने गलत कंपनी के साथ रहकर हमें भी गलत करने पे मजबूर किया। सो टेंशन नहीं लेना है, जैसे भी हो यहाँ पे जो वहां जाने में हम अपनी ताकत लगाएंगे वो यहाँ हम उनके खिलाफ जिन्होंने अभी तक हमारी सहायता नहीं करी, हमारी बात नहीं करी, हमारी बात नहीं सुना, उनके खिलाफ एफआईआर करें। कंपनी पे तो एफआईआर होना ही होना है। सो अगर आप एफआईआर करेंगे, मैंने सारी बातें बताई, एफआईआर करने के बाद क्या होता है, आपके कचहरी में कैसे वो आते हैं और कैसे उन्हें क्लीन चिट दिया जाता है। सो आप एफआईआर करें, आपका सोल्यूशन होगा। अगर लगता है कि हम एफआईआर करने में असमर्थ हैं, हम कंपनी की लड़ाई करने में समर्थ हैं या फिर हमें कोई परेशानी नहीं है, सो हमारे ग्रुप में बनकर ऐसे ही अपना संख्या बढ़ाने की बात नहीं, आपको धीरे धीरे हमारे ग्रुप को छोड़कर अपने काम में लग जाना चाहिए और जहां आप हैं वहां स्वस्थ रहें,
खुश रहें, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आप अपनी तरफ से उपाय करते रहें। अपडेट अब यही है कंपनी का, ना तो कंपनी है ना कंपनी रहेगी, ना कंपनी आपको रिचार्ज देगा, कोई भी सीनियर आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारा पैसा मिले, सो आप जिन्होंने आपको यहाँ लाया, जिन्होंने इस कड़ी को कड़ी से जोड़ा, उस सारे कड़ी को जोड़कर सभी के ऊपर मुकदमा करें, ये बताएं कि मैं आपको भी परेशान करूंगा, सो आप हमारे परेशानी में मदद करो, नहीं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। सो थैंक्स, आप समझदार हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। सो आप अपने विवेक से काम लें, किसी की बातों में पैनिक ना हो और आप अपना काम करते रहें।